नमस्कार, मैं अभय कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने फेसबुक पेज के माध्यम से, अभय कुमार सर एंड हमारा जो यूट्यूब चैनल है बायोलॉजी बाय अभय कुमार सर के नाम। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने ऑर्डर पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे क्लास, और क्लास को हम बारीकी से पढ़ने का प्रयास करेंगे मेरा, और उसमें हम एक एक चीज को, एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं बर्ग, और बर्ग क्या है ये समझ रहे हैं। ठीक है, बर्ग वर्ग को हम कह सकते हैं कि कुछ समान उत्सव वाले गणों को एक ही वर्ग में रखा जाता है, समान उत्सव। ठीक है, समान लक्षण वाले गणों को एक ही वर्ग में रखा जाता, वर्ग में रखा जाता है। जैसे मैं बात करूं तो प्राइमेट्स गण की, कौन सी गण है, प्राइमेट्स गण की बात कर रहा हूं, जिसमें क्या बेटा, गोरिल्ला मनुष्य और बंदर। समझना है चीजों को, इनमें क्या था गढ़ कॉर्निवार, ठीक है, कॉर्निवोरा, कौन सा गढ़ बेटा, कॉर्निवोरा। ठीक है, इसमें हम बात करें कुत्ता बिल्ली भालू शेर चीता, ठीक है, किसकी, कुत्ता बिल्ली भालू और बेटा शेर और चीता, चीता को दूसरे कई अन्य गणों के साथ स्तनी वर्ग में रखा गया, किसमें रखा गया, स्तनी वर्ग में रखा गया, किस वर्ग में रखा गया बेटा, हम बात कर रहे हैं स्तनी वर्ग में। ठीक है, स्तनी वर्ग में रखा गया। ठीक है, किसमें रखा गया, स्तनी वर्ग में रखा गया है, क्योंकि विविधताओं के बाद मैं सभी में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, ये अलग अलग जरूर है पर इनमें क्या पाया जाता है बेटा, स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, क्या स्तन ग्रंथियां पाई जाती, क्या पाई जाती बेटा, स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन भी अद्विता मतलब अलग अलग है, गोरिल्ला है, मनुष्य है, बंदर है, पर इनमें क्या बेटा लक्षण समान है। ठीक है, और कुत्ता बिल्ली भालू शेर चीता अलग अलग है पर लक्षण समान है, पर इनमें समानता क्या है बेटा कि इनमें स्तन ग्रंथियां पाई जा रही हैं। ठीक है, आवश्यकता अनुसार सवर्ग में दूसरे उपवर्गों में बांटा जाता है, जैसे मैं बात करूं कि जैसे स्तनी वर्ग को तीन उपवर्गों में बांटा गया है। ठीक है, स्तनी वर्ग को यहां पर लिख देता हूं, स्तनी वर्ग को तीन उपवर्गों में, ठीक है, तीन उपवर्गों में बांटा गया, उपवर्गों में बांटा गया, कौन कौन से उपवर्गों में बांटा गया बेटा मैं आपको बता देता हूं। नंबर फर्स्ट है वो है बेटा कौन सा, प्रोटोसीरिया। सेकंड, प्रोटोसीरिया कौन होते, अंडे देने वाले होते, कौन से बेटा, अंडे देने वाले। फिर इसके बाद आता है मेटाथीरिया, ये क्या होते हैं, ये क्या करते हैं बेटा, कम विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, क्या करते हैं बेटा, कम विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, जन्म देते हैं। ठीक है, तथा यूथीरिया, तथा हम भाई बेटा क्या कर रहे हैं, नंबर फर्स्ट सेकंड नंबर थ्री यूथीरिया,
यूथीरिया कौन से होते हैं बेटा, बात करो पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देने वाले, पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देने वाले, जन्म देने वाले मतलब समान लक्षण पाए जाते हैं उनको हमने प्राइमेट्स वर्ग में रखा गया है, जैसे गोरिल्ला, मनुष्य, बंदर, चूहा और कॉर्निलिया, गुड़, बिल्ली, भालू, चीता, ठीक है, स्तनी वर्ग में हैं। और स्पेशली इनमें क्या है बेटा, हम कह सकते हैं स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है, स्तन ग्रंथियां पाई, इसलिए हमने इनको इसमें रखा। और यहाँ पे क्या, स्तनी वर्ग को तीन वर्गों में बांटा गया है, कौन कौन से बेटा, कि कम विकसित बच्चों को देने वाले, ठीक है, प्रोटोसीरिया अंडे देने वाले बच्चे पक्षियों को, यूथीरिया पूर्ण विकसित बच्चों को देने वाले, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा आशा कर रहा हूँ। तो वीडियो देखने के लिए बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सभी को, और ये टॉपिक आप लिखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, एक से दो बार देखेंगे जरूर समझ में आएगा, थैंक यू वेरी मच।